सम्राजनो पृथ्वी माती पृथ्वी नम धरा तलाय नम हाथ जोड़े पृथ्वी माता संग प्रार्थना करनो ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता पंच धारय मां भद्रे पवित्रम कुरु चासनम दीपम प्रज्वाल्य दीपक जलाय दिनो श्रोत्रादवायुष्य प्राण ततः संकल्पं कुर्यात् स्त्रिया देवानां भद्रा श्रुमतिरिरेतां देवानागुं सख्यमुपसे हिमावस्विना सरस्वती हमारे इस स्थापना दिवस पर मैं सभी को बधाई देता हूं जो यहां पर उपस्थित हैं। ये क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? तो ऐसे हमारे अध्यक्ष जी, मैं आपके शब्दों के बिना तो ये आज का स्थापना दिवस अधूरा ही रहेगा। सर आपके शब्दों से भी अनुरोध करते हैं सर, मंच पर आने के लिए सुधार सभा के अध्यक्ष श्री पदम सिंह पापा जी, इनके लिए भी यहाँ महानुभाव प्रेजेंट जी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँ। कर्नल विक्रम थापा जी, मिस विनय गुरुंग जी उनको कार्यकारिणी, जनरल सेक्रेटरी, सांस्कृतिक मंत्री, मीडिया, कर्नल सीबी थापा जी, हमारे बहुत ही पयोवृद्ध और जानकार राम सिंह भाई, कर्नल खड़गा, कोषाध्यक्ष शशिकांत भाई,
यहाँ उपस्थित सभी का मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबा एक लिस्ट हो जाएगा। शेरपादाई है, जितने खतीदाई है वहाँ जोड़ी गांव से हमारे शाखा अध्यक्ष जी लोग जोड़ी गांव से कमल गुरु वगैरह सब आए। इतिहास आप लोगों ने सुना, बहुत हमारे पूर्वजों ने जद्दोजहद करके और हमारे जो इस खलंगा विकास समिति की कार्यकारिणी है उनके अथक प्रयास से आज खलंगा विकास का जो ये जगह है ये विश्व धरोहर के रूप में प्रसिद्ध है। और ये सब हमारे जो पूर्वज है यहाँ की जो इसके उपलक्ष्य में मैं तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद है। मेरा जो आएंगी सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौरव, जय उत्तराखंड, धन्यवाद। आपके शॉर्ट और स्वीट जो आपका उद्बोधन था उसी से हम लोग बहुत कृतार्थ हुए सर, धन्यवाद। एक शख्स ऐसे हैं यहाँ पर जिनका मैं नाम नहीं लूंगी तो बहुत बेइंसाफी होगी, शेरपा जी, पीएन शेरपा जी। इन्होंने खलंगा विकास समिति के ये बैक स्टेज हीरो हैं, हमेशा हमेशा ये हर कार्य में इनका योगदान रहा है, चाहे स्तूप निर्माण हो चाहे या बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगी। शेरपा जी आपका योगदान सदैव सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, धन्यवाद। और हमारे बीच हमारे छोटे भाई सुरेश राय जी भी उपस्थित हुए, आपका भी स्वागत अभिनंदन। दो हजार 2023 माता चंदाड़ी देवी के परिसर में उनकी छत्र छाया में उपस्थित सभी महानुभाव, हमारे पूर्व अध्यक्ष, सहयोगी संस्था के सभी प्रतिनिधि, उनके अध्यक्ष, यहाँ आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे भजन मंडली के सभी दीदी बहनी लोग, हमारे पूजा करने के लिए जो हमारे पंडित कृष्णा प्रसाद पंथी जी और जो भी हमारे यहाँ पे सम्मानित सदस्यगण हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ जो उन्होंने यह कराया है, अपना समय निकाला और इस कार्यक्रम को एक अच्छा रूप दिया, उसके लिए मैं हमेशा आभारित रहूँगा। ये प्रोग्राम जो इस साल का था हमने सोचा था थोड़ा और भव्य करेंगे, सागर ताल में और ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे और ज़्यादा इसमें कार्यक्रम करेंगे। इसी कारणवश समिति ने फिर ये निर्णय लिया कि इसको एक ऐसा रूप देते हैं जो अलग हो, उसमें हमारा मार्गदर्शन है। उसी प्रकार से वो इवेंट कैंसिल नहीं होता है, समिति में काफ़ी दमदार और काफ़ी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अध्यक्ष हो या कोई और कार्यकारिणी हो या ना हो समिति वो कार्यक्रम कर सकती है। इतिहास सुना है हमारे सांस्कृतिक सचिव कैप्टन वाईपी थापा जी से, तो हमें जो भी कुछ ज्ञान है इस समिति की स्थापना से लेकर अभी तक उन्होंने व्यक्त किया है, उसमें कोई भूल चूल गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें, हम उसको सुधार करेंगे और आगे जो समिति की जो हिस्ट्री है खलंगा युग की अलग हिस्ट्री है, समिति की हिस्ट्री अलग है, तो ये समिति का स्थापना दिवस है तो उसके बारे में हमें और जानकारी हमें मिल जाएगी तो और ये इतिहास जो है भव्य हो जाएगा। तो कोशिश ये है कि इसको हम और इम्प्रूव करें और इसके ऊपर ऑडियो विजुअल बनाएं या ऐसा कुछ हमारा आगे का भविष्य का कुछ योजना है। तो इन्होंने जो बताया उसके बाद जो कुछ समय का गैप है जिसके हमें हिस्ट्री का थोड़ा सा ज्ञान नहीं है, ज्ञान है लेकिन कंफर्म नहीं है, तो वो आप जितने भी पुराने लोग हैं इनसे अब धीरे धीरे जैसे ये प्रोग्राम खत्म होगा तो हम आप सबको से मिलेंगे और थोड़ा सा हिस्ट्री को थोड़ा और डिटेल में डॉक्यूमेंट करेंगे ताकि वो हमेशा हम लोग के साथ रहे। दूसरी चीज, अभी हाल ही में पिछले साल जब मुझे यहाँ के अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया तो अभी एक साल होना बाकी है मुझे इस उपाधि में, पर इसमें हमने पीछे दो तीन चीजें करी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो हमने जो यहाँ पे खलंगा युद्ध स्मारक में बच्चे लोग आते हैं स्कूल के, तो स्कूल के बच्चों को जो कि आगे के भविष्य हैं देहरादून के,
उत्तराखंड के, इस देश के, उनको हम लोग यहाँ पे समिति के लोग मेंबर सदस्य मिलकर उनको कंडक्ट करते हैं, उनको वहाँ की हिस्ट्री बताते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं, यहाँ की इको डाइवर्सिटी के बारे में ज्ञान देते हैं, पेड़ पौधे के बारे में, और यहाँ पे हिस्ट्री क्या था, कैसे हुआ। तो उसमें कुछ स्कूल आए थे, जैसे कसीगा स्कूल आई थी, हिमज्योति स्कूल आई थी, तो वो बच्चे आते हैं, ऊपर रीक्लेइंग करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, बातें सुनते हैं, समझते हैं, सवाल जवाब होता है, और फिर अपने खाना पीना करके खेल कूद कर वापस चले जाते हैं। अभी पीछे 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे था, उसमें यहाँ पे दून गर्ल्स स्कूल आई थी, उन्होंने उसके साथ में 6-7 स्कूल और आए थे, एक स्कूल मेरठ से आई थी, एक नोएडा से, एक हैदराबाद से, एक जबलपुर से, और 2-3 एनजीओज भी आए थे। तो उनको भी हमने कंडक्ट किया था, उनको बताया था यहाँ के बारे में कि कलंगा क्या है, नाला पानी की लड़ाई क्या है, हिस्ट्री क्या है इस जमीन की। तो इस तरह से हम समिति की तरफ से इस जगह का, इस क्षेत्र का प्रचार कर रहे हैं बच्चों को, और वो ज्ञान लेके जा रहे हैं जो उनको आज तक पता नहीं था। तो ये एज इट इज जो है टूरिज्म के मैप में है। अगर हम बात करें तो ये सिर्फ बात गोरखा एंग्लो लड़ाई की नहीं है, ये इतिहास है जमीन की, नाला पानी की इतिहास है। वो इतिहास किसने लिखी, किस समय लिखी, वो अलग अलग समय पे लोगों ने लिखी है, मगर है तो इतिहास इसी जगह की, इस चीज को कोई नकार नहीं सकता है। अभी इसी के साथ संबंध हमारी एक बलभद्र खलंगा विकास समिति की एक रिसर्च टीम बनी है, छोटी सी रिसर्च टीम, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, वो जब समय आएगा तब आपको बताएंगे। तो उस रिसर्च टीम के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे काफी समय निकाला है, और यहाँ के जो पुराना किला है, जो उसमें से हम उसके पुराने ईंट मिले हैं जो अलग ही टाइप के हैं, जिसको हमने आर्कियोलॉजी पुरातन संग्रहालय से बात की है, वो उसका कार्बन डेटिंग करके उसका उसकी हिस्ट्री निकालेंगे कि कितना पुराना है। कल भी मेरी बात हुई थी देहरादून सर्कल के जो आर्कियोलॉजी डिवीजन के हेड हैं, मैंने उनको भी इनवाइट किया था, उन्होंने कहा था 11 बजे मीटिंग है, हो सके तो मैं आऊँगा उसके बाद, तो शायद नहीं मिला बट है, तो वो भी काफ़ी हमको सहयोग दे रहे हैं, वो भी आएंगे। पीछे DFO मसूरी जिनके रेंज में ये आता है, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने भी अगले हफ्ते यहाँ पे विजिट का प्लान बनाया हुआ है। तो उस विजिट के दौरान फिर यहाँ पे होगा कि इसका सौंदर्यकरण कैसे होगा, यहाँ पे कैसे क्या चीज करना है, क्या नहीं करना है, वो सिर्फ आगे प्लानिंग होनी है, और उसी हिसाब से फिर यहाँ का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा यहाँ का। तो ये चीजें जो हो रही है, ये आप लोग को मैं थोड़ा एक संक्षिप्त में बता दूं, ताकि यहाँ पे हम सिर्फ एक मेला है जो बहुत बड़ा इवेंट है हमारा, वो तो हो गया, उसके अलावा भी पूरे साल भर हम चाहते हैं कि कुछ न कुछ समिति के द्वारा यहाँ पे कुछ न कुछ होता रहे, और इसका आगे भविष्य में और ऐसे प्रगति चलता रहे। बीच में एक छोटा सा कहिए या जैसे भी एक कार्यक्रम हुआ था नीचे नूरखेड़ा में, जो हमारी जमीन है, सरकारी जमीन है, जो हमको समिति को पूर्व प्रधान जो थे हमारे नूरखेड़ा के श्री केशव राणा जी, जब वो वहाँ पे थे तो उन्होंने इसका आवंटन करा के हमको हस्तांतरित किया था। उस जमीन के ऊपर फिर अभी पिछले महीने 22 अप्रैल को हमने भूमि पूजन कराया, जिसमें हमारे संरक्षक श्री हीरा सिंह बिश जी और श्री ताऊ जी जो अभी विधायक हैं रायपुर क्षेत्र के, वो आए थे, उन्होंने पूजा में हिस्सा लिया और अपना मार्गदर्शन भी दिया, और साथ में विधायक निधि से 10 लाख रुपए का उन्होंने घोषणा भी की है, और हो सकता है मई जून के महीने में इसमें काम शुरू होगा। तो ये जो जमीन है ये काफी पुरानी है, उस पर जैसे श्री रामसिंह थापर जी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने करके यहाँ पे समिति को जो आज हमारे पास है उसकी जो बुनियाद तैयार की, उसी बुनियाद के ऊपर हम आगे काम कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं हम लोग, पुराना जो काम है उसी को हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी होगा जैसा भी होगा जब तक कर सकेंगे हम लोग करेंगे। समिति तो ऐसा है, कार्यकारिणी तो पहले भी थी, आज भी है, और कल कोई और भी होगा, पर अपने समय में हम लोगों ने अपना योगदान ऐसे देना है कि उससे आगे भविष्य में समिति का उद्धार हो।
और समिति को उद्धार हो, हमारे जो यहाँ के जो हमारी इतिहास है वो कभी हम भूले नहीं, और वो जो इतिहास है वो सभी लोगों के लिए मार्गदर्शन हो कि ऐसा भी होता है और ऐसा हुआ है। अंत में आप लोग का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप लोग को यहाँ पे सभी लोगों को, सम्मानित लोगों को, अतिथि लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनका आभार प्रकट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके मार्गदर्शन हमें समय समय मिलते रहेंगे और हम लोग अपना काम बिल्कुल ईमानदारी के साथ और मिलजुल के आगे करते रहेंगे और समिति का नाम बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। जय गोरख, जय उत्तराखंड। आपका स्वागत करता हूँ। और जैसा ये आप सबको विदित है कि ये जो कार्यक्रम है हमारे और आपके अथक प्रयास से चलते ही हैं, चलते ही रहेंगे, लेकिन हर बार कुछ दानदाता लोग हमारे बीच में हैं जो हमें अनुदान देकर कृतार्थ करते हैं, तो वो खुद ही बताएंगे वो कहां से कहां जा रहे हैं और उनका क्या पर्पस है, क्या उनकी मकसद है उसमें। आदित्य कुमार, थैंक यू सो मच आप सभी का मुझे ये मंच देने के लिए और मेरी बात रखने के लिए। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और हाल फिलहाल मैं 15 महीने पहले ही अपनी जॉब क्विट करी है और मैं एक छोटा सा सोशल वर्क कर रहा हूं अभी, ह्यूमैनिटी को स्प्रेड करने का और एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। अभी मैंने 15 महीनों में लगभग इंडिया के हर एक कोने में जाके ह्यूमैनिटी को स्प्रेड करने के लोगों में मैसेज पहुँचाया और एनवायरनमेंट को सेव रखने के लिए। और अभी मैं ऑल इंडिया करने के बाद लगभग 20,000+ किलोमीटर किया है राइड साइकिल से इन 15 महीनों में। अभी 2 महीने से मैं हूँ इंडिया टू सिंगापुर राइड में, जिसमें मैंने दिल्ली से राइड स्टार्ट करके हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल होते हुए आपके उत्तराखंड आया हूँ, यहाँ पे देहरादून आज पहुँचा हूँ। तो अनिल सर से मेरी मुलाकात हुई थी पिछली ट्रिप में जब मैं ऑल इंडिया कर रहा था, तो उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि आपको 12 बजे यहाँ पहुँचना है और यहाँ पे स्थापना दिवस है आपका, तो मैं यहाँ पर स्पेशली इसीलिए जल्दी आया था, वरना मेरा पहुँचने का टाइम था शाम का। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम सब लोग ह्यूमैनिटी को स्प्रेड करें और जो एनवायरनमेंट है उसको सेव करने के लिए हम सब लोग मिलकर एक आने वाला कल बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें, क्योंकि जो हम आज देख रहे हैं, आज पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, क्राइम रेट इतना बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ ह्यूमैनिटी है, लैक ऑफ एनवायरनमेंट अवेयरनेस है, जिसके चलते ये चीज़ वर्स्ट होती जा रही है दिन ब दिन। तो हम सब लोगों का एक दायित्व तो है कि हम आने वाली पीढ़ी को कल बेहतर देने के लिए ह्यूमैनिटी पे काम करें, एक इंसानियत को बढ़ाने का काम करें, लोगों में एक दूसरे में ये मैसेज पहुंचाएं कि एक दूसरे के लिए भाईचारा बनाए और एक दूसरे की मदद करने के लिए हाथ खड़े करें। पहले मैंने एक AI की रिपोर्ट पढ़ी थी कि आने वाले 50-100 साल बाद यहाँ पे रहना इतना मुश्किल हो जाएगा, टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के चलते कि आदमी एक रोबोट ही पूरी दुनिया चलाएगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं भयावह है हम सबके लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम बेहतर देने की कोशिश करें। तो मैं बस इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं और आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आदित्य बेटा, आप जो भी काम कर रहे हो भगवान उसमें आपको बहुत ऊर्जावान रखे और इसी तरह आप इन्वायरमेंट के लिए काम करते रहे, ऐसी हस्तियां मिलने वालों का आखिर यही निशान होगा। स्थापना दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बोलिए सब, बोलिए एक साथ 49 स्थापना दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बलभद्र कलिंगा थापा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आप सभी महानुभावों का मातृशक्ति और हमारे जितने भी कर्मठ हमारे सदस्यगण हैं सभी का खलिंगा विकास समिति तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। सबसे पहले मैं उन महानुभाव हमारे जो गोरखा सुधा सभा के अध्यक्ष हैं पदम सिंह थापा जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष राम सिंह थापा जी, पूर्व अध्यक्ष कनल खड़का, सचिव हमारे जितेंद्र दाई और पूर्व हमारे अध्यक्ष दीपक बोहरा जी, इन्हीं सभी के साथ मैंने उपाध्यक्ष का और अभी जो कार्य कर रही हूँ वो हमारे कर्नल विक्रम सिंह थापा जी के साथ मैं उपाध्यक्ष के पद पर कार्य कर रही हूँ। और हमारे सबसे पहले मैं दोनों ब्राह्मण हमारे धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने बहुत अच्छी तरह यहाँ पर पूजा किया, और मेरे सभी कर्मठ हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी हमारे संस्थाओं से आए हुए हमारे 1000 रुपए आदित्य भैया को